यूपीएससी टॉपर इशिता हमारे साथ में है। इशिता जी, आज आपने टॉप किया, कैसा फील? इशिता जी, कैसा फील हो रहा है आपने टॉप किया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, एंड आई एम ऑन क्लाउड 9। बहुत अटेंशन भी मिल रहा है। इसके पीछे आप, जैसे कि आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपकी मदर, और उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो कैसे मतलब ये सफ़र शुरू हुआ? मेहनत तो मतलब किसी के लिए भी सक्सेस कोई एक इंसान अकेले नहीं कर पाता है, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि आप बस मेहनत करें, बाकी हम पे छोड़ दें, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान कर दो। तो उन्होंने सारा डिस्ट्रैक्शंस जो भी है मैं उनसे डिस्कस करती थी, और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि तुम बस फोकस रखो अपना एंड बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो आपके लिए कितने बड़े चैलेंजेस थे और कितनी बार में ये अटेम्प्ट किया? आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं, और मेरी मदर ने हमेशा मेरे बचपन में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। चाहे मेरा बोर्ड एग्जाम था, उसके पहले भी उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नेशनल टूर्नामेंट है आप जाइए। मैंने सुब्रतो कप खेला था फुटबॉल में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, तो मदर ने हमेशा कहा था कि हमें हर चीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए। एंड स्पोर्ट्स से जो डिसिप्लिन आता है, द नेवर से डाई एटीट्यूड, कि आप मेहनत करते रहें एंड सेटबैक्स आर वेरी नॉर्मल, बस उनको उभरते भी रहें, बुरा लगता है बट उससे उभरते भी रही है। इसके लिए किस, जो अभी आपको रैंकिंग मिली, आप क्या मतलब पसंद क्या करेंगे आगे चल के, किस फील्ड में या क्या स्पेसिफिकेशन? आई थिंक IAS ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आप बहुत सारे, बहुत दूर तक आपकी पहुंच होती है, पर अगर कोई एक फील्ड हो तो वो वुमेन एम्पावरमेंट ही है मेरे लिए। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारी छोटी लड़कियाँ हो या महिलाएँ हो, वो आगे आएँ एंड दे आर ऑल्सो एबल टू फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर केपेबिलिटीज इन सोसाइटी। लाइफ में क्या, जैसे आपने अचीवमेंट पूरा कर लिया है, लेकिन लाइफ में आप सोशल कैसे रहेंगे, मतलब सोशल कुछ रहेगा लाइफ में आपके? सोशल मतलब जैसे कि आप अधिकारी हैं, आप तो सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसके अलग हटके कुछ काम करेंगे क्या सोशल? हाँ बिल्कुल करूँगी, एंड जैसे कि मैंने कहा कि वेमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत ही, मेरे दिल के करीब है, एंड मैं चाहूँगी कि चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हो कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं, या वेमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या कॉरपोरेट में वेमेन को पुश दे रहे हैं, तो मैं हमेशा इस फील्ड को पुश करना चाहूँगी। इप्सिता ने UPSC टॉप किया है। इप्सिता की माँ है ज्योति किशोर अमर। इप्सिता, हाँ इप्सिता, अब मैडम आपकी बेटी जो है इसका जो है वो यूपी टॉप कर गई, UPSC टॉप कर गई है, आप इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके पीछे इनकी हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और करेक्ट प्लानिंग ही है जो इसे टॉप पे पहुंचाई है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, और मुझे बस यही लगता है कि जो इसने चाहा भगवान ने इसे दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप एक सिंगल मदर हैं, आपने किन परिस्थितियों में पाला और आज आपकी बेटी जो है टॉप कर गई है, चोटी पर पहुंच गई? हाँ, सिंगल मदर हूँ, पर कभी मैंने अपने को इतना वीक नहीं समझा, और कभी मैं ये नहीं सोची कि सिंगल हूँ तो ये काम नहीं हो सकता, ये चीज़ मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो भी इसने चाहा, जो भी इसने कहा, वो हमने इसे दिया, तो वो चीज़ मेरे आड़े कभी नहीं आई कि मैं सिंगल मदर हूँ। उतना स्ट्रांग बनाए? बिल्कुल, वो चीज़ घर में मैंने आने ही नहीं, फील ही नहीं होने दिया कि आप कहीं आप मिस करो। डेफिनेटली फादर फिगर नहीं है, बट देन यू हैव योर मदर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू। गुड, इसके बारे में बताइए, क्योंकि कुछ कैसा पढ़ती थी, कैसा खेलती थी, क्या क्या हॉबीज हैं, कैसे अब जो टॉप किया है उसके पीछे कितनी मेहनत की है? ये शुरू से पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। छोटी थी तभी से ये बड़ी फोकस्ड रहती थी, और शी वॉज ऑलवेज फोकस्ड। गेम्स और स्पोर्ट्स में भी इनका बहुत इंटरेस्ट है। ये फुटबॉल टीम को कैप्टन थी, और सुब्रतो कप में इसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को फर्स्ट टाइम, और बास्केटबॉल भी खेलती हैं, स्विमर भी है, और जूडो, कराटे, एवरीथिंग, शी वॉज इन एवरीथिंग, सो शी लव स्पोर्ट्स। बचपन से अब तक की कहानी, कुछ मोमेंट्स ऐसे हों कि जो बहुत अच्छे हों, याद आपके हों? हाँ, अच्छी बुरी बहुत सारी मोमेंट्स हैं, बट मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि ये छोटी थी, KG और प्राइमरी कहीं भी ये रही, तो अगर एक बच्चे को प्राइज़ मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, तो ये ज़रूर उस ग्रुप में खड़ी रहती थी। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी हैड वन थिंग दैट
इसे कुछ अच्छा करना है. शी वॉज वेरी डेडिकेटेड और बड़ी मोटिवेटेड रहती थी. पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल कूद हो, डांस हो, तो सभी कुछ में इक्वल बहुत पार्टिसिपेट करती थी. ऑलराउंडर मैं कहूँगी, शी इज़ एन ऑलराउंडर. ये थी इर्शिदा की मदर जो बता रही थी इर्शिदा की कि उन्होंने किस तरीके से अपने और अपनी बेटी के सफ़र को तय किया है. कैमरा पर्सन हरिशंकर के साथ मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24.